लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आने के बाद अब गोरखपुर में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सीएम सिटी गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में दो दरिंदों ने 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया और जब हैवानों का इतने से भी मन नहीं भरा तो हैवानियत की हद पार करते हुए नाबालिग के शरीर को सिगरेट से दाग दिया। जानकारी के अनुसार नाबालिग घर के सामने स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, उसी समय बगल के दो दबंग उठा ले गए। बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परेशान घर वालों ने लड़की को ढूंढना शुरू किया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। सुबह कुछ लोगों ने लड़की को डेहरी भार के पास देखा। सूचना पाकर लड़की के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद नाबालिग ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। लड़की आई ऊपर से मछली लेके, हम लोग ऊपर रहने, अब छोटे छोटे तीन जो बच्चे रहना, बच्चे नीचे आई ना होकर बस पानी भरे लड़की को, लड़की के मुंह बांध के लोग दुपहिया बैठा के लोग चली गई, लेके भाग गई ना। सुबेरे के मार दिया हमारे भाई दोनों जन रतिया से खोजत रहना, ओकरे बस सुबेरे का पता चलल के मैदान हो गया आई, ओकरे बस वो आदमी देख ल तू आदमी आई हमारे घर। लड़की कहाँ थी? नहर में रह। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ितों को आनन फानन में अस्पताल लेकर गई, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले दोनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 15/8/2020 को थाना गोला में एक क्राइम लिखा गया था जो 711/2020 अंडर सेक्शन 363 376 326 IPC व 5/6 जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की बात थी, जिसमें उसको परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें एक जो अभियुक्त मेन जो अभियुक्त है वो अर्जुन उसका नाम है, जो पास के गांव का रहने वाला है और उसी का दोस्त एक महेश उर्फ छोटू था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और इस प्रकार अग्रिम जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा तो कर दिया लेकिन प्रदेश में आए दिन हो रही जघन्य वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।